हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको जितने भी स्टेट्स हैं उनके काउंसलिंग के अपडेट देने वाला हूं कि कौन से स्टेट में अभी काउंसलिंग की कौन सी प्रोसेस चल रही है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई है। और अगर मान लो स्टार्ट हो गई है तो अभी काउंसलिंग की कौन से प्रोसेस चल रही है, तो आपको आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिन स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है उनकी मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा कि उनकी जो काउंसलिंग है कब से स्टार्ट होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AAACC काउंसलिंग से। जैसे कि आप सभी को पता है कि AAACC काउंसलिंग में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स आती है, और साथ में यहाँ पर 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर सीट आती है। तो अगर हम AAACC काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो इसकी जो वेबसाइट है अगर आप चेक करेंगे तो उसे अपडेट कर दिया गया है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, मतलब अराउंड जो अगस्त का जो फर्स्ट वीक है इसके अंदर अंदर आपकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन स्टेट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 23 जुलाई को ओपन कर दिया गया था और लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 31 जुलाई को रिलीज कर दी जाएगी। और अभी इसका शेड्यूल आगे का जो प्रोसेस होता है सीट अलॉटमेंट का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आगे का प्रोसेस होता है अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं किया है, तो बाद में इसका जो शेड्यूल है वो लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसकी वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना, आपको तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पुडुचेरी की अगर बात करते हैं तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 जुलाई को ओपन हुआ था, 18 जुलाई मतलब यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है और इसका जो शेड्यूल है बाद में रिलीज कर दिया जाएगा। बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है और उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 18 जुलाई और इसका जो शेड्यूल है वो इस वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट जो कि कर्नाटका। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है और इसका जो शेड्यूल है कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है KEA करके, तो आप इसको वेबसाइट को लगातार आपको चेक करते रहना है, तो आपको वहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा। बात करते हैं मेघालय की। तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसका जो शेड्यूल है वो लेटर रिलीज कर दिया जाएगा। केरला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया है। ठीक, अगला स्टेट हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में रजिस्ट्रेशन जो था वो 15 जुलाई को ओपन हुआ था और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी और इसका जो शेड्यूल है इस वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा बाद में। नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं सिक्किम। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर भी क्लोज हो गया है, जो कि 20 जुलाई को ओपन हुआ था और 25 जुलाई इसकी क्या थी, लास्ट डेट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर करीबन 9 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर लगभग सिर्फ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट का भी टाइम बाकी है, 29 जुलाई तक है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप अपने अगर नहीं किया तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी लगभग सारे स्टेट ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो आपको फिर भी यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे स्टेट जो होते हैं वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में फिर से क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं और आपको फिर से मौका देते हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स रह गया हो रजिस्ट्रेशन करने में, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पर जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो अपना रजिस्ट्रेशन को ओपन करेगी, तो आप फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। लेकिन देखो गाइस, ऐसी मिस्टेक अब अगली बार से नहीं करना है आपको, है ना। आपको लगातार जितने भी स्टेट्स की वेबसाइट है, आप जिन भी स्टेट में रहते हैं उसकी वेबसाइट को आपको लगातार चेक करते रहना है। नहीं तो अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNet ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर सारी स्टेट्स की अपडेट देते रहते हैं। अब मैं थोड़े दिन में यहाँ पर सारे स्टेट्स की वेबसाइट का लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे स्टेट्स की लिंक मिल जाएगी और हम जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है सारी वहाँ पर रिलीज करते रहते हैं। तो आपने अगर चेक नहीं किया तो उसे आप चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट की, तो झारखंड। देखो, मैंने झारखंड का जो ऑफिशियल आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट उसे मैंने चेक तो किया था, तो वहाँ पर मेरे को इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ पर काउंसलिंग जो स्टार्ट हो गई है। तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि इसकी काउंसलिंग के क्या अपडेट है। ठीक है, मैंने चेक तो किया था हालांकि मेरे को वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर मेरे को मिलती है तो मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है त्रिपुरा। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को इसका शेड्यूल रिलीज कर दिया जा सकता है।
अगर हम बात करें बाकी स्टेट की, जैसे कि बात करते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है लास्ट वीक ऑफ अगस्त या अराउंड 15 से 20 अगस्त के आसपास इनके जो काउंसलिंग शेड्यूल का नोटिस आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट है क्या, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर करीबन जितने भी स्टेट्स थे सारे स्टेट्स से आपको मैंने अपडेट दिया। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि @bingdoctornit। साथ में गाइस, अगर आपने हमारा बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप फ्रेशर का कट ऑफ देख सकते हैं, आपको वहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ मिलेगा कि महाराष्ट्र की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, MP की क्या रही थी, छत्तीसगढ़ की क्या रही थी। यहाँ पर स्टेट की 85% की मिल जाएगी और ऑल इंडिया कोटा की मिल जाएगी। तो आपको दोनों, हमने जितनी भी जो काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी कट ऑफ होती, चाहे स्टेट की बात कर लो आप, ऑल इंडिया कोटा की बात कर लो, इवन हमने वेटनरी की भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऐप में अपलोड कर रखी है। तो आप कोर्स में रजिस्टर करके सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं, फुल काउंसलिंग गाइडेंस आपको दिया जाएगा PDF और वीडियोस के थ्रू, आपकी हर राउंड की चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी और आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि किस स्टेट में क्या काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। तो आप यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की वेबसाइट को भी चेक करना, आप लगातार चेक करते रहना है। देखो, हम तो आपको बताएंगे लेकिन ये आपके भी जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप काउंसलिंग कराने वाले हैं, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना है और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है। इतना भी टाइम नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लगातार आप अपडेटेड रहेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।